नहीं रहे बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर, हिंदी सिनेमा को लगा एक और बड़ा झटका। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर इरफान के निधन की खबर से लोग अभी उभरे नहीं थे कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। बिग बी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए, मैं खत्म हो गया हूँ। बुधवार को एक्टर की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उनका इलाज मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में चल रहा था। भाई रणधीर कपूर ने इस खबर को कंफर्म किया था कि ऋषि कपूर की तबीयत ठीक नहीं है। अब इसी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ऋषि कपूर को सांस लेने में दिक्कत थी। ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर में ही न्यूयॉर्क में लगभग एक साल कैंसर का इलाज करवाने के बाद भारत लौटे हैं। उन्हें साल 2018 में पता चला था कि वह कैंसर से पीड़ित हैं। इसके बाद वह अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उनके आखिरी वक्त में उनकी पत्नी नीतू कपूर उनके साथ रहीं। वहीं उनकी बेटी रिधिमा कपूर ने सरकार से दिल्ली से मुंबई की यात्रा की इजाज़त मांगी है। लॉकडाउन की वजह से फिलहाल वह दिल्ली में ही फंसी हुई हैं। ऋषि कपूर के निधन के बाद से चारों तरफ से शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि ऋषि कपूर का आकस्मिक निधन चौंकाने वाला है। वह न केवल एक महान अभिनेता थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आपको बता दें कि ऋषि कपूर ने बाबी फिल्म के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म को राज कपूर ने निर्देशित किया था। इसके बाद ऋषि ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में की। ऋषि के बेटे रणबीर कपूर इस वक्त बॉलीवुड में सक्रिय हैं।